गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम जो पोइम पढ़ रहे थे द नॉटी बॉय, तो उसकी अब जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो अब यहाँ पर था पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। तो राइमिंग वर्ड्स क्या है पोइम के? फाउंड ग्राउंड, लॉन्ग सॉन्ग, हार्ड यार्ड, मेरी चेरी, रेड लेड। ठीक है, फाउंड ग्राउंड, लॉन्ग सॉन्ग, हार्ड यार्ड, मेरी चेरी, रेड लेड। तो ये आपकी पोइम में, जो ये पोइम है द नॉटी बॉय, उसमें ये दिए हैं, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर जो सेकेंड वाली एक्सरसाइज है, सेकेंड में लिखा है पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोइम। तो अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स अब कौन कौन से हैं? अब नॉटी, तो ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, नॉटी बॉय, तो नॉटी यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ गया। हार्ड, हार्ड ग्राउंड, तो ग्राउंड को डिस्क्राइब कर रहा है कि ग्राउंड हार्ड है, तो ये आ गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। लॉन्ग यार्ड, तो यार्ड को डिस्क्राइब कर रहा है कि यार्ड जो है वो लंबा है, तो लॉन्ग, ये आ गया एडजेक्टिव। मेरी सॉन्ग, बहुत अच्छा है, सॉन्ग के बारे में बोल रहा है, मेरी सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो मेरी यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ गया। रेड चेरी, रेड है यहाँ पर, तो चेरी के बारे में आ गया कि रेड है चेरी, तो चेरी को डिस्क्राइब किया, तो ये आ गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। वेटी, लेड वेटी है, एक मेटल है जो कि बहुत वजनी है, वजन वाला है, तो ये जो वेटी आ गया, ये यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ गया। वुडन, जो डोर है वो वुडन है, तो इसलिए वो वुडन जो यहाँ पर, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड आ गया। 80, 80 डिस्क्राइब कर रहा है फोर स्कोर को। फोर स्कोर होता है कि 4 इंटू स्कोर, स्कोर 20 के बराबर होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया 80, तो 80 जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है फोर स्कोर को, तो फोर स्कोर आ गया, 80 आ गया यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये एक और एक्सरसाइज दी है। इस एक्सरसाइज में क्या है, वॉट आर द फॉलोइंग थिंग्स मेड ऑफ, ये जो ये चीज़ें हैं ये किसकी बनी हुई है। पिक द राइट आंसर फ्रॉम द ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल में कुछ यहाँ पर ये दिए हुए हैं नाम, जैसे वुड है, प्लास्टिक, रबर, क्लॉथ, स्टील, टिन, तो ये 6 नाम दिए हैं, तो हमें ये बताने कि ये किससे बने हैं। अब डेस्क है, डेस्क वुड से बनता है, रूफ टिन से बनता है, पेन प्लास्टिक से बनता है, शर्ट क्लॉथ से बनती है, पाइप रबर से बनती है, और यूटेंसिल्स स्टील से बनते हैं। तो अब यहाँ पर अब हमें दिया है कि राइट 5 थिंग्स मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, स्टील एंड टिन। अब आपको खुद ही 5-5 वर्ड लिख रहे हैं जो कि वुड के बने हो, प्लास्टिक के बने हो, क्लॉथ के बने हो, स्टील के बने हो, टिन के बने हो। अब जैसे यहाँ पर वुड के हैं, टेबल वुड का होता है, बेड वुड का होता है, डोर वुड का होता है, ठीक है, चेयर, चेयर लिखिए यहाँ पर, ये भी वुड की होती है, बैट लिखा है वो भी वुड का होता है। अब हम प्लास्टिक का देखेंगे, बॉक्स ये भी प्लास्टिक का बना होता है, बॉटल प्लास्टिक का बना होता है, कंटेनर जिसमें हम कोई चीज़ चावल वगैरह ऐसा रखते हैं तो वो भी प्लास्टिक की बनी होती है, बकेट जिसमें हम पानी वगैरह रखते हैं प्लास्टिक का होता है, मग ये भी प्लास्टिक का होता है। अब क्लॉथ का, पैंट जो पैंट पहनते हैं जेंट्स, जो पैंट पहनते हैं, लेडीज़ भी पहनती है बहुत सारे, तो पैंट क्लॉथ का बना होता है। कर्टन्स, ये भी कपड़े का बना होता है, बेडशीट्स कपड़े का बना होता है, रग्स जो हम नीचे बिछाते हैं वो भी कपड़े का ही बना होता है, फ्रॉक्स ये भी कपड़े का बना होता है। अच्छा, फिर आ गया स्टील, रेलिंग, रेलिंग होती है जो सीढ़ियों के साइड से जो वो पकड़ने के लिए डिज़ाइन सब बना होता है, उसको रेलिंग कहते हैं, तो वो स्टील की भी होती है। प्लेट्स जिसमें हम खाना खाते हैं या रोटी खाते हैं, वो प्लेट्स स्टील की बनी होती है। नलके, टैप्स, नलके भी स्टील के बने होते हैं। बाउल जिसमें सब्जी वगैरह या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो ये भी स्टील के होते हैं। टम्बलर्स, टम्बलर्स में पतीले होते हैं या बड़े बाउल्स होते हैं, तो वो भी स्टील के बने होते हैं, तो ये स्टील के आ गया। टिन, रूफ जो हमारी छत टिन की बनी होती है। गेट्स, बहुत सारे गेट्स टिन के ही बने होते हैं, ज़्यादातर गेट्स टिन के बने होते हैं।
कबर्ड, ये मोटा टिन होता है, ये भी टिन का ही बना होता है। ड्रम्स, बहुत सारे ड्रम्स जो होते हैं वो टिन के बने होते हैं, या कंटेनर्स भी कई सारे टिन के बने होते हैं, है ना। जैसे ऑयल कंटेनर होता है या कोई और कंटेनर होता है, तो ये टिन के ही बने होते हैं। ड्रम्स बने होते हैं, ये भी टिन के होते हैं, जिसमें कि बहुत सारा सामान रखा जाता है, तो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, तो ये टिन के बने होते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब आप ये वर्ड्स बहुत ऊंची आवाज़ में बोलेंगे मेरे साथ। हार्ड यार्ड, हार्ड यार्ड। कार्ड हार्ड, कार्ड बर्ड, ठीक है। लॉन्ग सॉन्ग, लॉन्ग सॉन्ग। टोंग रोंग, टोंग रोंग। फाउंड साउंड, फाउंड साउंड। बाउंड ग्राउंड, बाउंड ग्राउंड। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं, तो घर में फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेना घर पे आप, तो ये आपका लेसन अब ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट वीडियो से हम आपका नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।